नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुर्मी जाति का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने से सुना है कि कुर्मी जाति का मतलब क्या होता है, और कई ऐसे कुर्मी भाई हैं जिन्हें अपनी ही जाति का मतलब नहीं पता होता है और वे कहीं ना कहीं इससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो अगर आप भी कुर्मी समाज से हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कुर्मी जाति का मतलब क्या होता है, कुर्मी शब्द क्या है, कुर्मी क्यों कहा जाता है इन्हें, कुर्मी क्षत्रिय होते हैं या नहीं, कुर्मी किसान कैसे बने, इन सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें कुर्मी किसान भी हैं, कुर्मी क्षत्रिय भी हैं। पूर्व में कुर्मी जाति के लोग ही क्षत्रिय थे और ये भी ये युद्ध में निपुण थे, युद्ध करते थे। जबकि वर्तमान में भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कुर्मी जाति के लोग खेती बाड़ी भी करना प्रारंभ कर दिए हैं, जैसा कि अपना जीविका चलाने के लिए। तो यहाँ पे प्रजेंट में कुर्मी जाति के लोग किसान भी हैं। वहीं बात करते हैं कि कुर्मी जाति के लोग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कु का अर्थ है पृथ्वी और कुर्मी का अर्थ है पैदा करने वाला। तो कुर्मी का शब्द का अर्थ हो गया भूमि को खोदकर अन्न को पैदा करने वाला, यानी किसान। वर्तमान में माने तो कुर्मी शब्द का अर्थ है कि भूमि को खोदकर अन्न उगाने वाला कुर्मी कहलाता है, और ये एक क्षत्रिय जाति है।